चित्रगुप्त, पृथ्वी लोक गए बहुत दिन हो गया है, चलो आज हम दोनों पृथ्वी लोक घूमने जाएंगे। हाँ महाराज, चलो ना, हमें भी पृथ्वी लोक घूमने में बहुत मजा आता है। चित्रगुप्त, यदि कोई भी मनुष्य बच्चे को पीटते हुए मिले तो उसे तुरंत यमलोक ले चलो। ठीक है महाराज। अरे साला, ये तो मेरा चित्रगुप्त ही बेहोश हो गया है, कोई है जो हमारा मदद कर सकता है? टोनी भाई, बाहर कोई बुला रहा है, चलो जाकर देखते हैं कौन है जो मदद मांग रहा है। क्या हुआ महाराज, ये जमीन पर क्यों सोया हुआ है? एक बड़ा सा पत्थर इनके सर पर ही गिर गया है, जिसके कारण यह बेहोश हो गया है। क्या तुम दोनों हमारा मदद कर सकते हो? रुकिए महाराज, मैं अभी एक दवाई। मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बालक, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ कि तुम जब भी मुसीबत में फंसोगे तो मुझे बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। ठीक है महाराज। टीटू और टोनी बेटा, तुम दोनों दुकान जाकर दूध और बिस्कुट ले आओ। ठीक है पापा, मैं अभी अपना तरबूज वाला गाड़ी से जाता हूँ, चलो टोनी भाई। ये गाड़ी मेरा है, मैं तुझे नहीं दूंगा। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, ये गाड़ी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों भाई को कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल आंटी, आज मैं तुम्हें ये गाड़ी नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। मैं हूँ तीन खुद, ये गाड़ी मेरी है, अब ये गाड़ी मैं किसी को नहीं दूंगी। टिट्टू भाई, तुम्हें तो यमराज अंकल ने शक्ति दिया था, बुलाओ ना यमराज अंकल को। यमराज अंकल, हमारा मदद करो। क्या हुआ बालक, तुम मुझे क्यों बुलाए हो? यमराज अंकल, ये तरबूज वाला गाड़ी मेरा है, लेकिन इस चुड़ैल ने मेरा गाड़ी छीन लिया है। क्यों चुड़ैल, तुम इस बच्चे का गाड़ी क्यों ले लिए हो? हाँ लूंगी, तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। मैं यमराज हूँ यमराज, रुक मैं तुझे अभी यमलोक भेज देता हूँ।